अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पर देख रहे हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ARY डिजिटल। लो जी, महमूद साहब से लड़की बनकर 1000 का बैलेंस डलवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है और मेरी वालदा हॉस्पिटल में है। मुझे 1000 का बैलेंस भिजवा दें, मैं आपको वापस कर दूंगी। आपकी अपनी सबा। चले जी महमूद साहब। नबील, तुम यहाँ बैठे हो, मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। जानू, मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन तुम मेरे प्यार में पागल होकर पूरे घर में मुझे ढूंढती फिरोगी, नबील नबील कहती फिरोगी। शट अप नबील। ओके जानू। मैं तुम्हें बाहर भेजने के लिए ढूंढ रही थी नबील। सच जानू, तुम मुझे बाहर भिजवाओगी? जानू मैं सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड जाऊंगा और मैं स्कॉटलैंड जाके स्कॉटलैंड के लोगों को बताऊंगा कि मेरी प्यारी बीवी ने अपना जेवर बेचकर मुझे स्कॉटलैंड भेजा। मैं अपना जेवर कभी नहीं बेचूंगी। इसका मतलब है जानू मुझे मेरे प्यारे पापा जी बाहर भिजवा रहे हैं। नहीं नबील, मैं तुम्हें भेज रही हूँ घर से बाहर सब्जी लाने। क्या? जाओ जाके सब्जी लेकर आओ। ये टैलेंटेड आदमी सब्जियां ला ला के मर जाएगा। जानू मैं को बड़ा काम करना चाहता हूँ। अच्छा, पिछले 2 महीने से बाथरूम का टैप खराब है, उसे जाके ठीक कराओ, फिर करना बड़ा काम। खूबसूरत। क्या है? मेरा मतलब ये है कि पैसे दो, मैं लाता हूँ सब्जी जल्दी। अच्छा जी, इन दोनों बाप बेटी पे सिफली करवाना पड़ेगा मुझे। सिफली? ओ पहाड़ नुमा बच्चे, क्यों मासूम लोगों को जख्मी कर रहे हो? सॉरी अंकल, सॉरी। सॉरी अंकल? ओए ओए, चोर चोर के बच्चे। इधर आना चोर के बच्चे, निकाल मेरा वॉलेट, निकाल मेरा वॉलेट। तुझे ना मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। साहब मैं तो एक बेसहारा मासूम और यतीम बच्चा हूँ जो हालात के हाथों मजबूर है। तभी तो लोगों की जेबें काटता फिर रहा है। ये तो मेरी रोजी रोटी है साहब, मेरा हुनर है, मिनटों में दिखा सकता हूँ हाथ की सफाई। अच्छा तो दिखा अपने हाथ की सफाई। अच्छा पहले मुझे माफ कर दो। अच्छा मैंने कर दिया माफ, चल 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 ठीक है। ओए ये देखो, ओए तूने फिर मेरा वाला निकाल लिया। मान गए ना मेरी हाथ की सफाई, यहाँ तुमसे बात करते करते मेरे लाखों का नुकसान हो गया। अबे कौन सा लाखों का नुकसान, तू क्या स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है? मिनटों में लाखों का माल ले उलता हूँ मैं। हाँ वैसे भी तुम्हारा वॉलेट तो बड़ा ही हल्का लग रहा था। तुम पकड़ो, तुम ले लो, मुझे जाने दो भाई। ओ भाई तू है कौन, रहता कहाँ है, तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते तुझे? ये तो तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया यार। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना घर बार ना माँ बाप। काश मेरा भी घर होता, माँ बाप होते। तो तुम क्या करते भाई? तो क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा उनके हाथ पे ला के रख देता। अच्छा तो ठीक है, आज से फिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। सच? तुम मेरे बाप हो? हाँ मेरे भालू, मैंने तुझे गोद लेने का फैसला कर लिया है मेरे मुन्ने। मैं मुन्ना नहीं हूँ, टाइगर हूँ साहब, टाइगर। ठीक है टाइगर मेरे बच्चे, चल मेरे साथ, तू अब अपने इस बाप का नाम रोशन करेगा। चल साथ मेरे घर चल। ओ माँ जी ये ले पालक है। ले, मैंने तुझे पिंडी लेने भेजा था, तू ले पालक ले आया। ओ माँ जी मैंने इसे गोद ले लिया है कद्दू को। चुप है, तू इसे गोद लेगा तो तेरी कमर में चुक नहीं पड़ जाएगी। क्या सीन है अब्बा, कौन है ये बुढ़िया? ओए बदतमीज, ये मेरी माँ जी है। ओ दादी। हाँ दादी। हुशे, और ये तू किसे उठा कर ले आया? जमील। ओ नबील माँ जी। अच्छा इसका नाम नबील है? जमील। मैं टाइगर, टाइगर पर लग तो भालू रहे। ये क्या हो रहा है अब्बा, तुम तो कहते घर वाले मुझे सर पे बिठाएंगे। ओए हमें खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं है बंदर। बंदर नहीं, टाइगर, टाइगर। माँ जी मैंने इसे गोद लिया है, ये आज से मेरा बेटा है और आप इसकी दादी। और माँ जी समझे, ये बड़ा कमाऊ पुत्र है, दिनों में हमें अमीर कर देगा। मेरा पुत्र, ओ मेरा मोटा वाला बड़ा वाला पुत्र, आ जा। टाइगर को छोड़े ना माँ जी। ना ना मैंने नहीं छोड़ना। ओहो मुस्तकीम,
अब्बा घर तो बड़ा टाइट है। हाँ पुत्र कराएगा है, ठीक है। ये नबील, अरे ये बच्चे का ढेर कौन लगा गया यहाँ पे? ये शकील का बेटा है। ये पड़ोस वाले शकील साहब? अरे भैया अगर उनका बेटा है तो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं मसूद, ये शकील का बेटा है। क्या ये नबील का बेटा है? नबील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतना बड़ा बच्चा तुम्हारा और तुम उसे घर भी ले आए? सच सच बताओ इसकी माँ कौन है और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? क्या हुआ अब्बा, कौन है ये आंटी? तुम इससे इतना डर क्यों रहे हो? ओए शबड़ गुल्ले, ये मेरी बीवी है। अम्मी मैं आपका बेटा टाइगर। क्या बकवास है नबी, प्लीज इसको फौरन लेके जाओ घर से। जैसे जानू मेरी बात तो सुनो, ये मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने इसे गोद लिया है। तुम्हें बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत आ गई? चांदी है ना हमारी बेटी। और क्या जानू, चांदी तो शादी करके चली जाएगी ना जानू, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये जो तुम्हारे बुढ़ापे का बनेगा वो सहारा होगा? हाँ जी। अच्छा जी, जैसे जानू मेरी बात तो सुनो। देखे मैं ना समझा के आता हूँ खूबसूरत को, आप अपने पोते का ख्याल रखे टाइगर का। जी जानू। नबील तुम फौरन इसी वक्त उस बच्चे को जाकर छोड़ कर आओ। कैसी बातें कर रही हो जानू, वो एक यतीम मस्कीन बेसहारा बच्चा है और मैंने शफकत का हाथ उस पर रख दिया। कौन शफकत? ओ जानू अगर हमने उसको घर से निकाल दिया तो फिर बेघर हो जाएगा। तुम पर अचानक एकदम से हमदर्दी का भूत कैसे चढ़ गया? कहीं तुम उस बच्चे को किडनैप करके तो नहीं लाए नबील? ओ जानू सांड को कौन किडनैप कर सकता है यार, मैं तो जानू उसे कमाई के लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा जेब कतरा है। क्या ये बच्चा जेब कतरा है? नबील तुम एक चोर को घर ले आए हो, फौरन निकालो इसे। नहीं जानू, मुझे तुम्हारे पापा से अब कोई उम्मीद नहीं है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और दूसरी बात ये कि उसको माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा इस घर में। शट अप नबील, बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी, चोरी की कमाई खाओगे। तुम्हारे रोज रोज के तंज के तीर खाने से बेहतर है कि मैं चोरी की कमाई कर लूं। तुम एक चोर को अपने घर में पना दे रहे हो नबील, वो यहाँ भी चोरी कर सकता है? वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता जानू, मैं उसे सगे बाप का प्यार दूंगा। मैं तो कहता हूँ जानू तुम भी उसे माँ बनकर पालो। जानू वो माँ के प्यार को तरसा हुआ बच्चा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, पापा को पता चल गया ना इस बात का तो बहुत खफा होंगे। अब मेरा टाइगर मेरा खर्चा बल्कि पूरे घर का खर्चा उठाएगा। तुम चाहो तो अपने कंजूस बाप के पास जा सकती हो। दादा दादी, दादा दादी। अरे अरे अरे, अबे पीछे हटो, मैं कोई दादा वादा नहीं हूँ तुम्हारा। और बात सुन, अब से तो मुझे बाजी बाजी कहना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा इतनी जवान लड़की को दादी दादी। वो यार क्या हो गया? वो यार नबील ये किसे उठा के ले रहे हो तुम भाई? अरे खूबसूरत के पापा बड़ी मुश्किल से हमारा बोझ उठाते हैं, तुम उससे भी बड़ा बोझ उठा के घर ले आए हो। अरे इसे कौन कमा के खिलाएगा भाई? अरे महमूद साहब हम इसे कमा कर नहीं खिलाएंगे बल्कि ये हमें कमा कर खिलाएगा। अरे ये क्या कमा के खिलाएगा भाई, ये तो खुद बच्चा है। चल भाई टाइगर दिखा अपना टैलेंट। ये देखो हाय मेरी अंगूठी। अरे ये तो मेरा वॉलेट है भाई। अरे नबील ये तो चोर निकला यार। ए दादा के बच्चे चोर मत बोलना मुझे। हाँ अरे ये तो आंखें दिखा रहा है भाई। नहीं मेरे लाल तुझे कोई कुछ नहीं कह रहा, देख लिया महमूद साहब कैसा कमाऊ पुत्र है मेरा। अब हम नहीं कमाएंगे, अब ये हमें कमा के खिलाएगा, हमें पालेगा। वाह नबील वाह भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि तुम जैसा घटिया तरीन इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। महमूद साहब पुत्र चल जल्दी जा कहाँ पे, दादी के लिए कंगन लाने आपने, ठीक है ना? दो ठीक है सब अपनी अपनी डिमांड बताओ। और हाँ जब मैं वापस आऊँ ना मुझे अपना कमरा तैयार चाहिए और उसके साथ गर्मा गर्म खाना भी। मैं अपना कमरा खाली नहीं करूँगा भाई। जा मेरे टब्बर शेर, मैं अभी लूमड़ी से कमरा खाली कराती हूँ, उन्हें बस मेरे कंगन याद रखने। मैं यूं गया और यूं आया। ओ ये चीज मेरा पांडा, ये चीज जा जा मेरा पांडा, जा मेरा बच्चा। मैं हूँ साहब। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं यार। बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा।
मेरे बब्बर शेर को जूस, जूस मेरे बब्बर शेर, जूस भी चल मेरे पुत्र खा। लो जी महमूद साहब, कुल मिला जुला के आज की जो कमाई हुई है वो हुई है 1,10,000 रुपया। और इसी तरह काम रहा महमूद साहब, ये हमारा नाम रोशन करेगा। तुम फिकर ना करो अब्बा, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। यार नबील, अगर ये इसी तरह ही कमाता रहा तो यार हम तो बहुत जल्द करोड़पति हो जाएंगे। हम नहीं, सिर्फ मैं, क्योंकि टाइगर मेरा जाती बेटा है। अरे भाई हम भी तो दादा दादी हैं उसके। आ क्यों मुमताज? हाँ मुमताज इस भालू की दादी है अशफाक। महमूद? हाँ वो महमूद की भी दादी है मुस्तकीम। देखो भाई नबील, अरे इस बच्चे की कमाई पर हम सब का बराबर का हक है। कर दी ना, बड़े मुंह से छोटी सी बात कर दी। खबरदार, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे बेटे की कमाई पर नजर रखते हुए। खबरदार जलील, जो तू मेरे मियाँ के बड़े मुंह को बीच में लाया, तुझे पता होना चाहिए कि ये वो हैं। ओ माँ जी, मुझे पता है महमूद साहब कितने बड़े वो हैं। नबील। अरे भाई बस बस करो लड़ना, ये मुझे अपने घर में शोर शराबा नहीं चाहिए। तो अब ये तेरा घर हो गया लाइन किंग। देख लो भाई तुम लोग, वरना मैं किसी और को अब्बा बना लूंगा। नहीं। कैसी बातें कर रहा है मेरा टाइगर, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो इस आदमी से ना इश्क है, इश्क। हाँ हाँ मुझे भी इश्क है, इश्क है हमाइयों से। मुमताज जी हमाइयों। और माँ जी जूस पिलाए यार। अच्छा? जूस, बच्चे को जूस पिलाए, मेरे बब्बर शेर को पूरा पिलाए गिलास, इसको देखी जाएगी आज। ओए तुम कौन हो? पुलिस, पुलिस, भागो, भागो! ओए ओए! भागो पुलिस! ओए बात सुनो! पुलिस! ओए! अब्बा, अब्बा, भागो पुलिस आगे, पुलिस भागो, छापा पड़ गया घर पे। ओ ओ ओए पागल, ये पुलिस पुलिस नहीं है, ये तेरे बटताया हैं। बटताया? ताया? ओ ये क्या चक्कर है भाई, ये बच्चा कौन है? मैं बताती हूँ बट साहब। चुप है, मैं बताऊंगी जट साहब को। आटे की बोरी मेरे वकील की औलाद है। वकील कौन? मेरा बेटा। और कौन? आपका बेटा वकील कब बना माँ जी? अरे नबील की बात कर रही है भाई, नबील ने इस बच्चे को गोद लिया है। नबील ने इतना बड़ा बच्चा गोद ले लिया और बताया भी नहीं? खैर नबील मुबारक हो तुम्हें, खूबसूरत तुम्हें भी मुबारक हो। एक्सक्यूज मी। इसको क्या हुआ भाई? तफा करें फिरजाना को, आप मेरे हाथी के बच्चे को प्यार करें पुत्र, बटताया से प्यार करा। टाइगर बेटा देखो, सिर्फ प्यार लेना है, ये याद रखना, बटताया पुलिस में है। चल। बच्चा कैसे आना हुआ? ओ भाई मैं ये बताने आया था कि आजकल इस इलाके में बहुत वारदातें हो रही हैं, पॉकेट माफिया बहुत सरगर्म है, तुम लोग ध्यान रखना अपने पॉकेट और जेब का, ठीक है? लाजी इसका पर्स तो मैंने छुपाया। क्या कहा? अब कुछ नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, पहली बार आया हूँ तुम्हारे बेटे से मिला हूँ तो कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं ताया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। अरे तुम आइसक्रीम खा लेना बच्चे। पर साहब आपको ना महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम है, आप बिल्कुल पैसे नहीं देंगे। अच्छा नहीं निकालता भाई, चला ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ओके भट साहब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यार नबील ये तो बहुत ही तेज निकला यार, इसने तो भट साहब को भी नहीं छोड़ा। ओ कोई बात नहीं, इधर आ मेरा टाइगर। चले माँ जी, भट साहब का वॉलेट देखते हैं क्या है इसमें। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और भट साहब को भी चेक करो कहीं वापस ना आ जाए। चलो चलो खोलो खोलो। ओ यार भट साहब ने तो बहुत ही थोड़े पैसे रखे हुए हैं, कंजूस आदमी है कंजूस। हाँ मेरा बच्चा खा, ये ले, ये भी खा ले। शाबाश शाबाश। माँ जी खाने के लिए कुछ बचा भी है ही नहीं? कुछ भी नहीं है तेरे लिए, सारा खाना मैंने अपने रीच के लिए बनाया है। रीच नहीं दादी, टाइगर, टाइगर। तू खा आराम से, और तू सिदीकन बीबी खबरदार तूने मेरे पोते के खाने पे वो लगाई हो तो। कम से कम मेरे लिए पराठा ही बना दे माँ जी। ले आटा तो सारा कब का खत्म हो गया। 10 किलो आटा एक दिन में कैसे खत्म हो गया माँ जी? वो मेरे टाइगर पुत्र को हर घंटे बाद भूख लग जाती है। अच्छा तू एक काम कर, तू वो रख ले। वो क्या माँ जी? वो जो मैं नहीं रखती। आपको तो कोई कुछ भी देता है फौरन रख लेती है माँ जी। मैं कोई इतनी लालची भी नहीं हूँ इफ्फत। मैं तंग आ गई हूँ इस रोज रोज की बहस से। हाँ हाँ याद आया, रोज रोजा
तू रोजा रख ले बीर। खूबसूरत माँ जी। थैंक यू जमीला। दादी और खिलाए ना। पुत्र अपना गोश्त भून के ले। ये ले महमूद साहब। हाँ बहुत है और रखें यार बस रखें। अच्छा चलो यार नबील, वैसे एक बात है, अगर ये हमारा छोटा टाइगर इसी तरह दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता रहा तो हम तो बहुत जल्द किसी बाहर के मुल्क में सेटल हो सकते हैं। बहुत ही बकवास आइडिया है आपका महमूद साहब। ओए बाहर के मुल्क में टाइगर क्या करेगा? क्यों, अंग्रेजों की जेबें नहीं होती क्या? होती हैं, लेकिन वहाँ पुलिस बट साहब जैसी नहीं होती। मैंने पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया टाइगर का, जैसे ही बड़ा होगा मैं उससे बैंक में डकैती डलवाऊंगा, किडनैपिंग करवाऊंगा। मुल्क का सबसे बड़ा डॉन होगा मेरा टाइगर, सोने की स्मगलिंग करवाऊंगा उससे। अरे वाह नबील वाह, कितने सुनहरे ख्वाब देखे तुमने अपने बेटे के लिए। महमूद साहब लोग थर थर कांपेंगे टाइगर के नाम से, हमारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैं अपने कुत्तों को सोने के बिस्किट खिलाऊंगा। वो जो तुम अपने कुत्तों को खिलाओगे वो सोने के बिस्किट होंगे? हाँ जी। अच्छा जी, वैसे यार नबील जब हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा फिर तो हम बाकी की सारी जिंदगी आराम से गुजारेंगे हैं? और जब इतना पैसा होगा नबील तो फिर 3-4 शादियां करनी तो बनती हैं। आप टेंशन न ले महमूद साहब, मैं 30 शादियां करके शेर खान का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। भाई मैं तो 3-4 से ज्यादा नहीं करूंगा। महमूद साहब आप कोई शादी नहीं कर रहे? क्यों भाई, मेरे भी कुछ अरमान है। अपनी ख्वाहिशें और अपने अरमानों का गला घोट दे वरना मैं आपका गला घोड़ दूंगा। मैं अपनी भोली भाली माँ के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुन लिया आपने? वाह भाई वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चलें। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? खूबसूरत पट साहब। माना कि मैं खूबसूरत और पुरकशिश मर्द हूँ, लेकिन औरतों को किसी मर्द की इस बेबाकी के साथ तारीफ नहीं करनी चाहिए मोहतरमा। मैंने आपको नहीं अपने आप को खूबसूरत कहा। भाई मैं कैसे मान लूं? आप एक काम करें, आप मुझे अपनी एक अदद तस्वीर व्हाट्सएप करें। अच्छा शर्म आनी चाहिए आपको, मैं खूबसूरत बात कर रही हूँ, नबील की बीवी। अरे अरे खूबसूरत तुम? अरे मैं समझा कि कोई खूबसूरत खातून मुझसे मुखातिब है। अच्छा तुम बताओ कैसे फोन किया? बट साहब आप फौरन यहाँ आ जाए, बड़ी मुश्किल हो गई है। भाई फौरन आना तो मुश्किल है, तुम लोगों के घर से निकलते ही किसी ने मेरी जेब काट ली, अब तो पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं है मोटरसाइकिल में। साहब आपकी जेब घर के बाहर नहीं घर के अंदर ही कटी थी। जिस बच्चे को नबील और महमूद साहब ने गोद लिया है ना वो चोर है, अब वो उससे चोरियां करवा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। आप प्लीज आके इनको पकड़े, देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि उसने इंस्पेक्टर भट्ट की जेब काटी है? मैं फौरन आ रहा हूँ। चलो भाई नबील ये निकालो पैसे, अब हम चोरी की रकम आपस में बांट लेते हैं। हाँ बिल्कुल बांट लेते हैं मामू साहब, ऐसा क्या है यार। ये ले, ये एक हो गया मेरा और ये हो गया आपका, अब ये 3 हो गए मेरे। हाँ भाई क्योंकि टाइगर मेरा बेटा है। 1,000 हो गया आपका और ये 5,000 फिर हो गए मेरे क्योंकि मास्टर प्लान मैंने बनाया था। और ये वाला जो है ना ये हम आधा आधा कर लेते हैं, ये ले। अरे इस आधे नोट का मैं क्या करूंगा नबील? भाई ये आधा इसलिए है कि आप मेरे बगैर इसे खर्च नहीं कर पाएंगे ना। बहुत ही कंजूस तरीन इंसान हो तुम। ओ महमूद साहब कंजूस होना पड़ता है, ये मेरे बेटे की खून पसीने की कमाई है भाई। चलो अब मेरा भी हिस्सा निकालो। अरे टाइगर मेरा टाइगर, ले अय्याशी कर, अब अगले महीने मिलेगा जेब खर्च। ओ हेलो नबील, सीधी तरह मेरा हिस्सा निकालो। अरे अब्बा से सीधा डायरेक्ट नबील ही कह दिया। हाँ भाई बस हो, बहुत हो गया अब्बा अब्बा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, वो भी बराबर का। हिस्से के बचे, वो जो तू हमारे पूरे महीने का राशन एक दिन में खा गया है उसका क्या होगा? अरे मैं तो कहता हूँ इसको पुलिस के हवाले करो नबील, सुबह शाम जब इसके डंडे पड़ेंगे ना फिर इसे हमारी कदर याद आएगी। देखो ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। अबे चल ना, निकल यहाँ से पतली गली में। देख लूंगा बच्चू, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं। अबे चाहता है या जूता उतारूं मैं? अरे यार नबील, अरे ये छोटी सी गेंडी हमें धमकी दे दे। अरे मैं मूसा बच्चा है यार, इसने कहाँ जाना है हमें छोड़ के।
दादी मुझे भूख नहीं है। ओए क्यों भालू बेटा, भूख क्यों नहीं है तुझे? वो बड़े वाला पिज्जा बड़े वाला बर्गर खाए हुए एक घंटा हो गया, अब तो तेरा पेट भी खाली हो गया होगा। नहीं दादी बस, अब मेरा जिंदगी से भरोसा ही उठ गया। हाय पुत्र तू इतनी मनूजमतें क्यों कर रहा है, अभी तेरी दादी जिंदा है, बोल बता तुझे क्या चाहिए। जब मेरे बाप ने मुझे धोखा दे दिया तो तुमसे क्या उम्मीद रखूं दादी? तू मेरा वो कर सकते है पुत्र, तुम्हारा मर्डर करके मुझे क्या मिलेगा दादी? मैं मर्डर की नहीं वो करने की बात कर रही हूँ पुत्र। मैं कुछ नहीं कर सकता दादी, मेरा सबसे यकीन ही उठ गया। हाँ हाँ यकीन, तू अपनी दादी पे यकीन कर सकता है, तुझे अपना हिस्सा चाहिए ना तो ले ले अपना हिस्सा। कैसे ले लूं अपना हिस्सा, सारा चोरी का माल नबील और महमूद साहब ने अलमारी में रखा है और उसकी चाबी पता नहीं कहाँ है। ये अलमारी की चाबी, ये मेरे बच्चे मिलो चोचो जो बेबी अपने जा जा ले ले सामान। बहुत बहुत शुक्रिया दादी। जी दादी मैं अभी लेता हूँ। ले ले। देखो जानू हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं और तुम्हारे लिए ये है कि तुम अपने पापा के पास जा सकती हो, हमें उस पे कोई एतराज वतराज नहीं। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही नबील, क्योंकि इस घर का किराया मेरे पापा देते हैं। अब असोए तू अपने पापे की ज्यादा वो ना जमा हमारे ऊपर, ये घर मेरा पोता चलाता है। हाँ और भाई अब इस घर में ना छोटा सा घर है, ये मेरा दम घुटता है, अब हम ना आलीशान बंगले में रहेंगे। कबीर क्या अब हम शान के बंगले में रहेंगे? अरे शान के नहीं भाई, आलीशान बंगले की बात हो रही है। खबरदार कोई इलाज अपनी जगह से। लक्सम मेरी कोनी के इलाके में बारिश हो रही है, मैं कर लूं खारिश। हाँ खारिश। खारिश कहाँ है वो चोर जिसे तुम लोगों ने गोद लिया था नबील? कौन बट साहब, कौन चोर बट साहब, वो तो बड़ा मासूम सा बच्चा है। मैंने बट साहब को सब बता दिया नबील। चलो तुमने अच्छा नहीं किया। चलो जाओ उस चोर और चोरी के सारे सामान को लेकर आओ और मेरे हवाले करो। चलो लट साहब मैंने इन दोनों को बड़े समझाने की कोशिश की थी, मेरी तो बहुत मानी किसी ने। क्या कह रही हो मुमताज? कौन मुमताज, मैं किसी मुमताज को नहीं जानती शाहजहां। वो जो टाइगर का बच्चा है ना सारा चोरी का सामान लेके गायब हो गया है। जाए भट साहब अब आप आराम से ना उस चोर को तलाश करें। उसको तो खैर मैं पकड़ूंगा ही, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को जेल में डालूंगा एक पॉकेट मार को गोद लेने और उससे चोरियां कराने के इल्जाम में। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी बले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई जाए जाए। Obviously this is Maya Ali और मैं क्या कर रही हूँ फोन पे, मैं एक ऐप डाउनलोड करी हूँ, वो है AIY डिजिटल की, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना होता है हमारी फिल्म के बारे में क्या क्या बात हो रही है। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस ऐप ऑन योर फोन। थैंक यू।